हेलो हेलो एवरीवन प्यारे बच्चों वेलकम बैक टू अनदर सेशन गाइस और आज का जो टॉपिक है काफी ज्यादा अवेटेड था है ना वी कैन से मोस्ट अवेटेड टॉपिक और इस पे 2020 में क्वेश्चन भी आया था हम लोग आज करने वाले हैं बेटा वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज राइट बहुत आसान सा होता है है ना आपको एनिमेशन के थ्रू दिखा दिया जाएगा और फील करा दिया जाएगा हर बार की तरह ताकि इसमें आपसे गलतियां ना हो और जो बेसिक हैं वो आप बड़े आसानी से आज सीख पाओगे बेटा सो सुपर अमेजिंग सेशन जल्दी से लोगों को बता दो आपके ग्रुप से उसमें डाल दो अगर कोई ये टॉपिक मिस कर रहा है तो वो चार मार्क्स मिस कर सकता है नीट एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये है ना बेटा एंड यस गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू कैसे हैं आप सब लोग बेटा हाउ यू ऑल डूइंग हाय आंचल हेलो अंजलि हाय सचिन ओके हाय प्रीति हेलो विक्रम हाय साहिल अंजुम साक्षी क्या बात है क्या बात है बढ़िया थोड़े दिल बना दो आते ही है ना थोड़ा थोड़ी फील आ जाएगी क्लास में थोड़ा माहौल अच्छा हो जाएगा फिर आ, स्टार्ट कर लेते हैं राइट तो सबसे पहले तो गाइस ये हम हमेशा कहते हैं कि ये आपका चैनल है अन अकेडमी नीट टॉपर्स और यहां पे जो स्टार्स लगे हुए हैं वो आपको अब अपना चैनल है देख लो सब्सक्राइब कर लो एक अकाउंट से नहीं तीन अकाउंट से चार अकाउंट से जितने अकाउंट से आपके पास सबसे सब्सक्राइब कर लो बेटा एंड साथ ही साथ है ना जब ये सब्सक्राइब हो जाए तो साथ ही साथ यहाँ पे बेल आइकन भी दिख रहा होगा आपको भी दिख रहा होगा सेशन के नीचे फटाफट देखो सब्सक्राइब का बटन भी दिख रहा होगा और बेल आइकन भी दिख रहा होगा दोनों को दबा दीजिए और यहाँ पे ऑल पे भी क्लिक कर दीजिए बच्चों ताकि आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए राइट चलो यार ये या आपका चैनल है देख लो है ना एंड वी आर ग्लैड टू सी द सपोर्ट दैट यू हैव गिवन टू अस है ना ऑलमोस्ट ट्वेंटी फाइव थाउजेंड पे पहुंचने वाले हैं कल ही हम लोग ट्वेंटी थाउजेंड पे थे बेटा सो द लव एंड सपोर्ट दैट यू आर गिविंग दैट इज जस्ट अमेजिंग देखो नंबर्स मैटर नहीं करते हैं बट आपका सपोर्ट वहां से हमें दिख जाता है राइट तो कीप सपोर्टिंग अस बच्चों एंड वी विल कीप गिविंग यू अमेजिंग कॉन्टेंट नेम इज गौरव गुप्ता स्टडी फ्रम एनआईटी राउर केला सिक्स प्लस इयर से नीट एक्सपीरियंस का जो फिजिक्स का फोबिया होता है उसको हटाने की कोशिश कर रहा हूं और साथ ही साथ मैंने वन लैख प्लस नीट एस्पिरेंट्स को पढ़ाया है मेंटर किया है एंड आई हैव प्रोड्यूस मल्टीपल ए आई आरस आई हैव ऑल्सो क्वालिफाइड गेट एग्जामिनेशन बट ये सब बेटा सब सेकेंडरी हो जाते हैं जब आपका प्यार और सपोर्ट आ जाता है राइट right? तो वो सबसे ऊपर आ जाता है और ये जो दिल मुझे मिल रहे हैं चैट बॉक्स में ये सबसे बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर है हमारा राइट एवरी वन ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है देखो ग्रुप का नाम बड़ा है काम भी बड़ी है यहाँ पे है ना सो अन अकेडमी नीट टॉपर्स टी डॉट एम जाओ स्लैश अन कर लो हर सेशन के पहले आपको नोटिफिकेशन यहाँ पे मिल जाते हैं बेटा ठीक है एंड एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों यूट्यूब पे तो हम आपको पढ़ा ही रहे हैं लेकिन कई सारे बच्चे यूट्यूब पे बहुत अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं है ना चैट पे बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन होता है उनके डाउट्स नहीं क्लियर हो पाते हैं और भी बहुत सारे स्ट्रगल्स हैं जिनकी वजह से आप शायद उस तरीके से प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हो जिस तरीके से आपको करनी चाहिए इफ यू वॉन्ट सिलेक्शन इन दैट केस बेटा डोंट वेस्ट योर टाइम जितनी जल्दी हो सके अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए आप यहां पे आपको लाइव क्लासेस तो मिलती ही हैं आप इंटरेक्ट कर सकते हो अपने एजुकेटर के साथ साथ ही साथ आप कर सकते हो बेटा लाइव पोल्स एंड लीडर बोर्ड्स यू कैन ऑल्सो डू द टेस्ट सीरीज एंड एनालिसिस एंड लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन इसका यूएसपी है मतलब टीचर खुद लाइव डाउट आपके क्लियर कर देते हैं थ्री सेशंस के बाद चौथा सेशन जो होता है बच्चों वहां पे होता है आपका लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन और सोचो अगर आपका टीचर खुद ही डाउट्स को किल कर रहा है तो फील किस लेवल की होगी राइट एवरी वन सो दैट इज वाई दिस प्लेटफॉर्म इज जस्ट अमेजिंग एवरी वन यू हैव बेस्ट एजुकेटर्स हियर टीचिंग फॉर ऑल द कैटेगरीज आपको तो नीट से मतलब है और नीट में अमेजिंग टीचर्स यहाँ पे हैं बहुत अच्छी टीम है बेटा साथ ही साथ जो प्लेटफॉर्म है वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए बनाए पूरी फील देता है पढ़ाई के टाइम पे राइट पोल्स होते हैं पे होते हैं सब कुछ होता है प्लस पे सबसे पहले बेटा मैं आपको मैग्नेटिज्म कराने वाला हूं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट रीजन आई एम नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग इज क्योंकि यहां पे ज्यादा परेशानी होती है बच्चों को यहां पे हम लग के आराम से हम और आप मिलके इसको खत्म करते हैं इसमें वेक्टर्स की जरूरत होती है बच्चों में बहुत सारी ऐसी चीजों की जरूरत होती है जो आपको पहले सीख लेना चाहिए और नवंबर स्टार्टिंग वीक से मैं और गरिमा मैम और एक फिजिक्स सॉरी केमिस्ट्री टीचर मिलकर के एक नया बैच आपके लिए स्टार्ट करेंगे जो बिगनिंग से स्टार्ट होगा और क्या तो उसका स्केड्यूल बनने वाला है बहुत प्यारा ड्रॉपर्स के लिए बिल्कुल हेवन होने वाला है वो राइट तो अगर आपके मन में है थोड़ा सा भी कि आपको सब्सक्रिप्शन लेना है और अगर आप ये प्लान कर रहे हो कि मेरा अभी तो सही चल रहा है मैं बाद में जाके लूंगा तो बेटा मैं आपको बता दूं प्राइसेस बढ़ने वाले हैं सब्सक्रिप्शन के आपको शायद पता चल गया होगा प्राइसेस बढ़ने वाले हैं अभी जो आपको वन ईयर का सब्सक्रिप्शन ट्वेंटी सेवन थाउजेंड का मिलता है बच्चों वो बढ़ के आई थिंक ऑलमोस्ट थर्टी फाइव थाउजेंड का हो जाएगा टू ईयर का सब्सक्रिप्शन जो है थर्टी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड में ऑलमोस्ट वो फिफ्टी थाउजेंड तक पहुंचने वाला है बेटा और ये ट्वेंटी फोर्थ अक्टूबर को हो रहा है आज ट्वेंटी एथ ऑफ अक्टूबर है आपके पास अभी भी दो तीन दिन है और अगर आपको मेरे कोर्स को ज्वाइन करना है तो आप आज ही ले लो है ना फटाफट सब्सक्रिप्शन ले लो जी जी लाइफ कोड आपको लगाना है बेटा टेन परसेंट का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा जी जी सर से लव आप ऑलरेडी करते हैं लाइव भी कर दीजिए उसको और आपको टेन परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है कि टाइम अपने पैसे बर्बाद मत करना है ना इसके बाद फिर आपकी प्राइसेस जब बढ़ जाएंगी तो फिर मत बोलना कि सर प्राइसेस बढ़ गई राइट अभी ले लो अभी अगर आपने सोच रखा है कि लेना ही है तो ले लो जी जी लाइफ कोड लगाओ और ले लो खत्म करो कहा ठीक है और आज हम मचाते हैं में मिलकर राइट एवरी वन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी है जहां पे आपको पर्सनल कोच मिल जाते हैं नीट यूजी की वर्कशॉप्स मिल जाती हैं हैं स्टडी प्लानर गाइडलाइंस और टेस्ट एनालिसिस ये सब एक्स्ट्रा चीजें जो यहाँ पे मिलेंगी सबसे बड़ी यूएसपी है बेटा पर्सनल कोच कुछ बच्चे अपना स्टडी प्लानर खुद से नहीं बना पाते उनको चाहिए होता है कि कोई उनको टारगेट्स दे रोज उनको बताए कि बेटा आज तू इतना कवर कर इतने सारे क्वेश्चन यहाँ से कर ये बुक आज तू खत्म कर ऐसी चीज है वो अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हो और आपको अगर चाहिए कि कोई फुल टाइम में आपके लिए वो काम करे तो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए जाओ उंगली पड़ के पकड़ के आपका सिलेक्शन करवाएंगे यहाँ पे राइट एवरी वन थोड़े से प्राइसेस ऑब्वियसली नेचुरली ज्यादा हो जाएंगे फोर्टी थाउजेंड फाइव हंड्रेड का आपको वन ईयर का सब्सक्रिप्शन पड़ने वाला है फिफ्टी फोर थाउज नाइन हंड्रेड का टू ईयर का सब्सक्रिप्शन पड़ेगा लेकिन यहाँ पे भी जी जी लाइफ कोड लगा के आप टेन परसेंट का डिस्काउंट ले सकते हो बच्चों फिर से लास्ट टाइम कह रहा हूं बहुत जल्दी प्राइसेस बढ़ने वाले हैं अगर मन में थोड़ा सा भी था अभी तक शंका थी कि ले या नहीं ले अभी तो फटाफट अभी ले लो बेटा आगे जाके फिर पछतावा होगा उस चीज से आप बचो ठीक है हम नहीं चाहते कि आपका ज्यादा खर्च हो जाए चलिए बच्चों अब शुरू करते हैं कहानी कौन सा टॉपिक है हमारे पास सबसे पहले हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है बेटा वर्नियर कैलिपर्स इतने सारे इतने सारे इतने सारे दिल देख के है ना बिल्कुल मैं तो गदगद हो चुका हूं बहुत मजा आ गया है और अब मैं आपको फील कराऊंगा विथ एनिमेशन ठीक है बहुत मजेदार तरीके से बेटा हम इसको फील करने वाले हैं ठीक है तो ये जो आपको दिख रहा है ये वैसे ये पूरा का पूरा डायग्राम नहीं है ये तो एक स्निप है मैं आपको एक पूरा का पूरा पहले तो दिखा देता हूं कि वर्नियर कैलिपर आखिर दिखता कैसे बच्चों तो ऐसे कुछ दिखता है ठीक है ये होता है वर्नियर कैलिपर का सेटअप ठीक है ये स्फीयर जो है वो ऑब्जेक्ट है जिसका आपको साइज एक्चुअली निकालना है यहाँ पे आप क्या निकालेंगे इसका डायमीटर निकालेंगे बेसिकली ठीक है बेटा तो ये स्फीयर वो चीज है जिसका आपको साइज निकालना है या फिर आपको डायमीटर इसका पता करना है ठीक है एवरीवन अब ये एनिमेशन थोड़ा यहाँ पे अच्छे से चल नहीं रहा है अदरवाइज होना क्या चाहिए कि इसको थोड़ा स्लाइड हो जाना चाहिए था एक बार ट्राई करते हैं जूमआउट करके एक बार ट्राई करते हैं नहीं ये हो नहीं रहा है चलो कोई बात नहीं मैं आपको बेसिक आइडिया समझा देता हूँ एटलीस्ट है ना ये लैपटॉप पे चल जाता है आप ट्राई करना आपको मिल जाएगा देखो इसमें हम करते क्या है ये वाली चीज और ये वाली चीज बेटा कैलिपर कहलाती है क्या कहलाती है कैलिपर ठीक है तो ये ऐसे इधर से आके यहाँ पे आके अटक जाती है एक्चुअली ठीक है जब आप मेजरमेंट लेते हो तो अब ये कैसे जाके अटक जाती है अगर आपको डायग्राम देखना है बच्चों तो एक बार देखो यहाँ पे इस वाले डायग्राम में दिख रहा होगा थोड़ा ये हाफ डायग्राम है बट ये कैलिपर यहाँ पे आ चुका है इस स्पीयर को टच कर रहा है

क्या क्या लैग हो रहा है अरे ऐसा कैसे हो गया लैग कैसे हो सकता है बेटा रुको मैं चेक करता हूं लैग नहीं होने देंगे है ना लैग बिल्कुल नहीं होने देंगे और अगर लैग होगा तो उसको हटाएंगे रुको तुम बस एक सेकंड का टाइम दो बुझे मैं अभी लैग हटाता हूं अगर लैग हो रहा है तो बिल्कुल दो दो इंटरनेट के साथ तैयार हो बेटा एक इंटरनेट स्लो हो गया तो क्या हो गया दूसरा लगा देंगे अपन ठीक है तुम्हें परेशानी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी तो अभी देखते जाओ लैग हट जाए तो बता देना आप मुझे ये लो दूसरा जबरदस्त शानदार इंटरनेट लगा दिया है ठीक है तो बता दो लैग है अब अब नहीं होना चाहिए लैग सही है सब कुछ सही है फिर से बोलूं जो मैंने बोला था एक बार रिफ्रेश कर लो अगर कोई भी परेशानी आपको लग रही है एक बार जल्दी से रिफ्रेश कर लो बेटा ठीक है फटाफट -फड़ से एक बार रिफ्रेश कर लो बच्चों कोई परेशानी नहीं है ना इसमें अभी तक कोई परेशानी नहीं चल रही है राइट एवरी वर? है ना चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आर यू लाइव हाँ यस yes, यस बेटा ओमकार आई एम लाइव इट्स राइट बहुत बढ़िया तो स्केल का मतलब वही जो हमारा नॉर्मली स्केल होता है ना अप्सरा अप नटराज वाला वन सेंटीमीटर वाला राइट तो देखो अगर मैं उस नॉर्मल स्केल की बात करता हूं अब सब लोग थोड़ा ध्यान देंगे अभी तक तो मैं सिर्फ भूमिका बना रहा था राइट अभी तक तो मैं सिर्फ आपको बता रहा था कि चीजें क्या क्या है होता क्या क्या है अब अपन आते बेटा सिंपल बात पे एकदम एग्जैक्ट एक ठीक है देखो ये जो ऊपर की तरफ आपको दिख रहा है ये यहाँ पे यहाँ पे ऊपर है ना ये जो चीज आपको दिख रही है ये वाली ये बेटा मेन स्केल कहलाती है कौन सी स्केल कहलाती है बच्चों ये ये आपकी कहलाती है बेटा मेन स्केल ध्यान से पहले एक बार टर्मिनोलॉजी समझ लो सर बिल्कुल आराम से और प्यार से पढ़ाने वाले हैं एक एक चीज समझाने वाले हैं बस सर को एक मौका दो और आराम से बैठ जाओ क्लास में ठीक है अगर आपको लैग फील हो रहा है अगर आपको लैग फील हो रहा है तो जल्दी से एक बार रिफ्रेश मार लो सब कुछ ठीक हो जाएगा क्योंकि इंटरनेट सही चल रहा है इंटरनेट में कोई भी परेशानी नहीं है फिलहाल ठीक है इंटरनेट में मेरे ख्याल से कोई भी परेशानी नहीं है बेटा ठीक है अगर आपको लैग फील हो रहा है तो एक बार जल्दी से रिफ्रेश मार लो है क्या कोई लैग बताओ यार इतने जोश से पढ़ा रहा हूं मैं और तुम कह रहे हो लैग है लैग है ये गलत बात है ये बहुत ज्यादा गलत बात है लैग नहीं होना चाहिए बेटा अभी अभी इंटरनेट चेंज किया बच्चों बिल्कुल नहीं होना चाहिए साउंड अच्छा नहीं आ रहा है क्या अरे सब कुछ सही है तो बताओ इज एवरीथिंग राइट इज एवरीथिंग ऑल राइट नो लैग राइट चलो अब मैं उधर देख ही नहीं रहा तुम तुम मुझे ना ऐसे बोलते रहते हो तो कुछ भी ये हो रहा है वो हो रहा है होता होता कुछ नहीं है

अब यहां पे सोचो जब कोई ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो ऑब्वियसली ये कैलीपर आगे बढ़ जाएगा बच्चों बढ़ेगा क्या बिल्कुल आगे बढ़ेगा ये तो जब यह कैलीपर आगे बढ़ेगा आगे बढ़ेगा तो ये वर्नियर स्केल भी आगे बढ़ेगा मेन स्केल तो वहां पे फिक्स्ड है सुनो मेरी बात ध्यान से मेन स्केल तो जो है वो वहां पे फिक्स्ड है ये रहा आपका मेन स्केल ऊपर वाला ये ये तो फिक्स्ड है इसके ऊपर ये चीज मूव कर सकती है ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ऐसे आगे जा सकता है फील आ रही है क्या ये वाला पार्ट ऐसे आगे जा सकता है और जो वर्नियर स्केल है वो उसी के साथ अटैच है।, है, है और ये भी इसके साथ साथ आगे जाएगा। सबसे पहले एक बार बताइए कि भैया आपको मेरी बात बिल्कुल समझ में आ गई है बात समझ में आ गई है क्या सभी लोग एक बार दिल बनाएंगे क्योंकि तुमने लैग लैग बीच में किया था मैं एक बार एनश्योर करना चाहता हूं कि अभी सब कुछ सही चल रहा है ना थोड़ा तुमने फ्लो तोड़ा मेरा चलो तुम्हारी क्या गलती है हुआ होगा लैग तुम कह रहे हो तो लेकिन एक बार जल्दी से मुझे जल्दी से मुझे दिल बना के बताइए क्या अभी क्लास बिल्कुल सही चल रही है और क्या आपको सब कुछ समझ में आ रहा है मैंने एक्चुअली पढ़ाना अभी शुरू किया भी नहीं है सच बताऊं तो मैंने अभी पढ़ाना शुरू किया भी नहीं है अभी भी भूमिका ही बांध रहा हूं मैं है ना दिल बन गया बहुत सारे चलिए बहुत बढ़िया तो दो टाइप के स्केल है दो टाइप के स्केल है इन दो टाइप के स्केल की एक खासियत है अब आइए जरा दिखाते हैं आपको वो खासियत आओ बेटा आओ आओ आपको इनविटेशन है आओ देखो देखो ध्यान से सुनना नमूनो ये जीरो है ना ये जीरो और ये वन और ये वन अगर मेन स्केल को ध्यान से देखा जाए तो कितने डिविजन हैं उसमें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन डिविजन है नमोनो और ऐसा ही होता है अरे वन सेंटीमीटर लेंथ में टेन डिविजन ही होते हैं और अगर सर आपसे एक बहुत बेहद डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लें कि बताओ हर एक डिवीजन की लेंथ कितनी है तो क्या आंसर दोगे मैं अगर आपसे पूछ लू कि हर एक डिवीजन की लेंथ कितनी है मेन मेन स्केल स्केल में अगर मैं की बात करता हूं नमूनो अगर मैं किसकी बात बात करता हूं? बात करता हूं हूं मेन स्केल की तो एक डिवीजन की लेंथ कितनी है एक डिवीजन की लेंथ कितनी है 1 mm है सर अरे इसमें तो कोई परेशानी नहीं है ना तुम्हें देखो हरेक डिविजन वन एम एम वन एम एम वन एम एम अरे तभी तो दस एम एम होगा नमूनो तभी तो 10 mm होगा व्हिच इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर बेटा है ना चलिए बहुत बढ़िया इसमें कोई परेशानी नहीं है सर इतना जोर देके क्यों बोल रहे हो सिंपल सी बात है ऐसे ही बोल दो ठीक है ऐसे ही बोल देता हूं 1 mm का होगा ठीक है लेकिन लेकिन अगर वर्नियर स्केल को ध्यान से देखा जाए घूर-घूर के देखा जाए ऐसे देखा जाए कि वो भी शर्मा जाए तो देखना ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टेन डिविजन्स तो हुए वर्नियर स्केल के लेकिन वो मेन स्केल के नाइन डिविजन के ही बराबर हो रहा है ओहो हो 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 यानी यानी कि कि मैंने क्या बोला अभी नाइन डिविजन देखोगे बेटा किसके वर्नियर स्केल के 9 देखोगे अगर सॉरी हाँ है ना ये देखो सॉरी टेन डिविजन वर्नियर स्केल के माई बैड मैं क्या लिख रहा हूं सॉरी बेटा देखो टेन डिविजन वर्नियर स्केल के देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन

मेन वर्नियर बोल दिया कुछ बच्चे परेशान किस मास्टर क्या बोलने जा रहे हैं ना ध्यान से सुन लो कहां पे, आ रहा, है? यहां पे. क्या पे आ रहा है बिल्कुल बिल्कुल आ रहा है तो इसीलिए मैंने बोला कि टेन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू नाइन डिवीजन ऑफ मेन स्केल और अब, अब अगर आपसे मैं पूछ लू कि ठीक है ये तो तुमने बता दिया ये भी बता दिया कि मेन स्केल का एक डिवीजन एक एम mm एम का है अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं कि बताओ ये वाला डिवीजन कितने mm का है यानी कि वर्नियर स्केल का एक डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इसकी लेंथ क्या हो जाएगी एक डिवीजन डिवीजन वन ऑफ वर्नियर स्केल इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी तो देखो सिंपल है टेन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू नाइन डिवीजन ऑफ मेन स्केल है ना तो क्या मैं कह सकता हूं कि वन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज नाइन बाई टेन डिवीजन ऑफ मेन स्केल बेटा है ना नाइन बाई टेन डिवीजन ऑफ मेन स्केल ये आ जाएगा आपका जीरो mm, का क्या होता है 1 mm, तो ये आ जाएगा बेटा mm. फील क्या बराबर mm होगा किसका डिवीजन स्केल का तुम्हें अगर बात नहीं समझ में आती है ना तो ऐसे समझ लो ऐसे समझ लो चलो यहां से लेके यहां से लेके यहां तक की लेंथ बताओ कितनी होगी यहां से तेल लेके यहां तक की लेंथ कितनी होगी बेटा 9 एमएम mm होगी क्या देखो मेन स्केल की तरफ से देखो मेन स्केल की तरफ से देखो है ना मेन स्केल की तरफ से देखते जाओ क्या मैं कह सकता हूं यहां से यहां तक की लेंथ बेटा 9 एमएम mm है बिल्कुल है 9 एमएम mm है है ना अगर वो 9 एमएम mm है तो ये भी तो 9 एमएम mm है यहां से यहां तक ये भी तो 9 एमएम mm है और इस 9 एमएम mm में कितने डिवीजंस हैं इसके वर्नियर के

तो सबसे अच्छी बात गोल्डन पॉइंट जो हमें समझने को मिल गया वो क्या है फाइनली मैं एक बार जल्दी से रिवाइज करा देता हूं मेन स्केल का हर डिवीजन एक एमएम mm का होता है और वर्नियर स्केल का हर डिवीजन 0.9 पॉइंट mm नाइन एम का होता है ठीक है ये कहां पे जाके मैच कर जाते हैं ऑब्वियसली यहां पे जाके ये दोनों मैच कर जाते हैं अगर जीरो से दोनों को रखा जाए तो यहां तक कोई परेशानी बेटा यहां तक कोई परेशानी है क्या ग्रीन कलर यूज करूं अच्छा ठीक है अगली बार से ग्रीन कलर यूज करूंगा इसमें कोई परेशानी नहीं है ना इसको लिख लो इसको एक बार लिख लो सिंपल भाषा में लिख लो मेन स्केल का एक डिवीजन इज इक्वल टू वन एम एम मेन स्केल का डिवीजन इज इक्वल टू वन एम एम स्केट नाइन एम एम ठीक है ये सब लोग जब लिख लेंगे तो एक बार दिल बना देना फिर मैं आगे बढ़ूंगा मैं आराम से पढ़ाऊंगा ठीक है मैं आराम से पढ़ाऊंगा ओके एक डाग पीछे <laughs> कोई कह रहा है सर एक डाग पीछे हाँ बिल्कुल सही बात है वही है ठीक है तो किसका डिवीजन किसका डिवीजन छोटा होता है वर्नियर स्केल का डिवीजन जनरली छोटा होता है ठीक है आगे बढ़ेंगे हम लोग है ना आगे बढ़ेंगे बेटा राइट चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अब देखते जाना ये क्या हो गया इंपॉर्टेंट अपडेट आर पेंडिंग रिस्टार्ट नाउ रिमाइंड मी लेटर अभी रिस्टार्ट थोड़ा ना हो सकता है अभी तो क्लास चल रही है ऐसे कैसे रिस्टार्ट कर लेंगे है ना एनी अब देखो बच्चों अब मेजरमेंट में आ जाए क्या क्या कहते हो यार अब थोड़ा हम लोग मेजरमेंट में आ जाते हैं ठीक है मेजरमेंट करने के लिए क्या क्या करना होता है मैं आपको फटाफट बता दूंगा लेकिन उससे पहले एक चीज आपको और मैं बता दूं जो आपको लिखनी है अपना कॉपी पेन निकाल के रखना साथ साथ में लिखते जाना ठीक है अगर लीस्ट काउंट की बात करेंगे आप ठीक है अगर आप किसकी बात करेंगे बच्चों लीस्ट काउंट की लीस्ट काउंट क्या होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का मिनिमम जो रीडिंग कोई भी इंस्ट्रूमेंट लेके आपको दे सकता है मिनिमम रीडिंग कितनी लेके दे सकता है आप बात करो अगर नॉर्मल स्केल की यानी कि मेन स्केल की नॉर्मल जो आपका स्केल होता है कितना मेजर कर सकता है बेटा वो वो सिर्फ और सिर्फ वन एम मेजर कर सकता है उससे कम नहीं कर सकता है ना उससे कम बिल्कुल भी नहीं कर सकता लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताता हूं लीस्ट काउंट जो होता है वो होता है लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल जो कि कितना बेटा वन एम लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल जो कि वन एम mm है माइनस लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल जो कि 0.9 पॉइंट mm नाइन है और इसका लीस्ट काउंट जो होता है बच्चों वो होता है 0.1 पॉइंट mm, वन एम एम या फिर जीरो ये लिख लो ये कई बार डायरेक्टली पूछ लेते हैं आपसे कि लीस्ट काउंट वर्नियर स्केल का कितना होता है तो यही तो फायदा है वर्नियर स्केल का इसका लीस्ट काउंट काफी कम है छोटा सा लेंथ भी आपको मेजर करके दे सकता इसकी है इसकी एक्यूरेसी ज्यादा है ठीक है तो लीस्ट काउंट निकालने का तरीका क्या था वन वन डिवीजन लेंथ ऑफ मेन स्केल माइनस लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल तो कितना है बताइए कितना है बताइए लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर या फिर 0.1 पॉइंट mm. वन ठीक है अब ये हो गया अब मैं आपको बताता हूं बच्चों बच्चो की मेजरमेंट कैसे लेते हैं ठीक है अब यार ये या एनिमेशन चल नहीं रहा है वरना पूरी फील के साथ बताता है यहां पर यह स्पियर रख देता फिर इसको ऐसे स्लाइड करके लाता ये प्लान था मेरा है ना बट कई बार प्लान वर्क करते नहीं है कोई बात नहीं कोई बात नहीं वी आर रेडी वी आर रेडी कुछ और दिखा के मैं आपसे पे करा देता हूं ठीक है देखो बच्चों यहां पे एक मेजरमेंट लिया गया है ठीक है यहां पे एक को रख के मेजरमेंट लिया गया है राइट जब ये कैलिपर को आगे मूव किया गया तो कैलिपर का जो जीरो है ना कैलिपर का जो जीरो है बच्चों दिख रहा है कैलिपर का जीरो पहले तो दोनों का जीरो सेम था है ना पहले तो ये जो लाइन थी पहली वाली ये यहां पे थी दोनों साथ साथ में थे है है ना अभी एनिमेशन में में दोनों साथ साथ में थे इस ऑब्जेक्ट को रखने के बाद बेटा ये पॉइंट यहां कहीं पे पहुंच गया है। और आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ रीडिंग क्या है कितने सेंटीमीटर या फिर कितने एम एम की रीडिंग है क्या है रीडिंग इसकी ठीक है तो देखो रीडिंग कैसे लेते हैं सबसे पहले तो देखो मेन स्केल को ध्यान से मेन स्केल को देखो फिर हम इस पे आ जाएंगे ठीक है मेन स्केल को देखो बच्चों तो अगर आप मेन स्केल को देखेंगे तो रीडिंग इसके थोड़ा सा आगे आ रही है क्या बेटा देखो ये जो ये जो लाइन है वो कितना सेंटीमीटर है बताओ 2.1 है अरे 2 सेंटीमीटर है उसके बाद एक लाइन है ना 2.1 है क्या मेन स्केल की रीडिंग तो देखो जो मेन स्केल की रीडिंग है ना एम जिसको हम कह सकते हैं वो है बेटा टू सेंटीमीटर ठीक है बहुत बढ़िया सर टू सेंटीमीटर है लेकिन क्या ये हमारी फाइनल रीडिंग है नहीं ये फाइनल रीडिंग नहीं है क्योंकि थोड़ा सा उससे आगे दिखाई दे रहा है थोड़ा सा आगे उससे हमें दिखाई दे रहा है अब ये थोड़ा सा जो आगे है वो कितना है ये कैसे पता करते हैं ठीक है ये कैसा पता करते हैं देखो तो इसके लिए आपको करना क्या होता है सबसे पहले आप ये देखो कि कहां पे वर्नियर स्केल और मेन स्केल कोइनसाइड हो रहा है कोइनसाइड मतलब एकदम एक के एक नीचे एक आ गए हैं बता सकते हो कहां पे ऐसा मुझे तो देखो बेटा यहां कहीं पे दिख रहा है यहां कहीं पे दिख रहा है क्या आप लोगों को यहां कहीं पे ये वाली जो लाइन दिख रही है बेटा ये वाली है ना ये यहाँ पे दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं हो रहा है नहीं हो रहा बिल्कुल हो रहा है और ये कोइंसाइड होता है और आपको वो सबसे पहले तो ढूंढना होता है कि कहां पे कोइंसाइड हो रहा है हो गया कोइंसाइड अच्छा ओके ओके चलो बहुत बढ़िया मैंने यहां तक की तो रीडिंग लिख ली है बेटा यहां तक की तो मैंने रीडिंग लिख ली है अब मेरे को बस ये जानना है कि ये जो छोटू सा गैप है असली रीडिंग तो ये वाली है ना ये वाली असली रीडिंग है ना अब ये 2.1 से थोड़ा ज्यादा आएगा फाइनल रीडिंग या थोड़ा कम आएगा थोड़ा सा ज्यादा आएगा देखो यहां पे आएगा 2.1 अपना ये वाला ये जो लॉन्ग लाइन मैंने बनाई है वो 2.1 है उससे थोड़ा सा आगे है अब मुझे वही जानना है कि कितना आगे है वो जो थोड़ा सा है वो कितना आगे है वही तो जानना है, है ना तो अब देखते जाना बच्चों ठीक है देखते जाना कैसे निकालेंगे आप देखो ध्यान से अगर यहां से वर्नियर स्केल के डिवीजन की आप बात करोगे तो कितना वर्नियर स्केल का डिवीजन बच्चों वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ये जो लेंथ आ रही है बेटा यहां से यहां तक बताओ कितनी है वो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है बेटा कितने डिवीजन है वर्नियर में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो क्या आप कह सकते हो कि ये वाली लेंथ हो जाएगी सेवन इंटू जीरो सेवन इंटू जीरो पॉइंट नाइन एम एम कह सकते हो या नहीं कह सकते है? सोचो जरा क्योंकि हर आप लिख दोगे सेवन सेवन मल्टीप्लाइड बाई है ना सेवन मल्टीप्लाइड बाई जीरो पॉइंट नाइन ये कौन सी लेंथ आई बच्चों यहां से यहां तक की लेंथ आ गई ठीक है अब एक काम करो अब एक आप काम कर लो यहां से ये वाली लेंथ भी निकाल लो ठीक है आप चाहो तो ये वाली लेंथ भी निकाल लो ये वाली लेंथ यहां से जाके यहां तक की तो ये मेन स्केल की तरफ से निकालो जरा मैं आपको फाइनली डायरेक्ट फॉर्मूला भी बता दूंगा जिससे आपकी कृपा कभी नहीं अटकेगी आप आसानी से कर लोगे लेकिन एक बार पहले फील तो कर लो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताऊंगा जिससे तुम्हारा आंसर ऐसे आएगा चुटकियों में उसके लिए वेट करो देखो शॉर्ट ट्रिक तब सीखनी चाहिए जब फील आ चुकी है पूरी पूरी है ना वरना मैं आप तुमको फॉर्मुला बता दूंगा कि मेन स्केल डिवीजन प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट ये ये फॉर्मूला होता है ठीक है तुम कर लोगे फॉर्मुले से तुम्हारा तुरंत आंसर आ जाएगा वो मैं कराऊंगा अभी लेकिन पहले जरा फील करो कि क्यों करते हैं ऐसा है ना तो बेटा ये वाला लेंथ आ गया हमारा है ना अब देखो ये वाला लेंथ भी तो निकाल लोगे आप ये वाला लेंथ ये पूरा का पूरा है ना ये पूरा का पूरा वो कितना है उसके लिए आप देखोगे कि यहाँ से कितने डिविजन्स हैं इसके मेन स्केल के तो आप देखोगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन वो भी सेवन है वो भी कितना है बच्चों सेवन है तो सेवन डिविजन में इसका लेंथ कितना हो जाएगा सेवन इंटू है ना यहां पे कितना आ जाएगा बेटा जीरो पॉइंट जीरो इंटू जीरो इंटू वन एम आ जाएगा ये वाला देखो इसका तो हर एक डिवीजन कितने का है वन एम एम का है इसका हर एक डिवीजन जीरो पॉइंट नाइन का है तो अगर आप यहां से यहां तक की लेंथ देखेंगे तो ये सेवन है है ना और यहां से यहां तक देखेंगे तो जीरो पॉइंट है यहां से यहां तक सेवन इंटू वन सेवन है और यहां से यहां तक ये जीरो पॉइंट सिक्स थ्री है तो जरा सोच समझ के बताओ कि ये जो छोटी सी लेंथ है ये वाली ये वाली ये कितनी होगी ये होगी बेटा सेवन माइनस पॉइंट सिक्स थ्री कितनी होगी सेवन माइनस पॉइंट सिक्स थ्री और सेवन माइनस पॉइंट सिक्स थ्री का वैल्यू आएगा बेटा जीरो पॉइंट जीरो सेवन समझ में आ रहा है ना यहां से लेके यहां तक सेवन एम एम ए यहां से लेके यहां तक पॉइंट सिक्स थ्री 7 सेवन इंटू पॉइंट नाइन तो ये छोटू सा जो गैप यहां पे बचा हुआ था बहुत छोटू सा गैप बहुत छोटू सा गैप वो कितना हो जाएगा 0.07 हो जाएगा 0.07 हो जाएगा दिस माइनस दिस और अगर वो 0.07 है तो फाइनल रीडिंग क्या लिखोगे आप देखो यहां तक की रीडिंग कितनी है बेटा 2.1 2.1 में और कितना ऐड कर दोगे ये छोटा सा वैल्यू जो है 0.07 तो 0.07 अगर इसमें आप ऐड कर देंगे 0.07 पॉइंट सेवन तो आपका आंसर आ जाएगा एक बार दो मिनट तक बल्कि एक मिनट तक एक मिनट काफी होगा देखो इसको अच्छे से बहुत अच्छे से देखो बेटा बहुत अच्छे से देखो बहुत अच्छे से देखो बच्चों इसको बहुत अच्छे से देख लो एक बार ठीक है फटाफट एक बार देख लो अच्छा ये एम mm एम में लिखा था इसको सेंटीमीटर में लिखा है, है ना सेंटीमीटर में इतना आ जाएगा ये ठीक है ये सेंटीमीटर की वैल्यू है ये भी सेंटीमीटर की वैल्यू है सही कह रहे हैं आप लोग कुछ लोग बोल रहे हैं सर यहाँ पे सिक्स पॉइंट थ्री आ जाएगा और यहाँ पे वैसा है ना सेवन हाँ सही बात है यहाँ पे मैंने सेवन लिखा है यहाँ पे पॉइंट सिक्स थ्री लिख दिया है राइट एक्चुअली बेटा ऐसा कुछ है कि ये पॉइंट सेवन है और ये पॉइंट सिक्स थ्री है ऐसे लिख लो है ना इसको मैंने एम mm एम में लिख दिया इसको मैंने सेंटीमीटर में लिख दिया ये आई अंडरस्टैंड दोनों को अगर आप सेंटीमीटर में लिखना चाहते हो तो यहां पे आ जाएगा आपका पॉइंट सेवन है ना और यहां पे आ जाएगा पॉइंट सिक्स थ्री उसमें मत होना। जो बच्चे बोल रहे हैं है ना वो mm आएगा mm आएगा आंसर सेंटीमीटर में तो पॉइंट सिक्स थ्री लिख सकते हैं ना अरे नमूनो देखो फिर से बता देता हूं देखो सेवन डिविजन हर एक डिविजन जीरो पॉइंट नाइन mm. एम एम इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा सिक्स पॉइंट थ्री एम एम क्या मैं उसको सेंटीमीटर में पॉइंट सिक्स थ्री नहीं लिख सकता क्या बिल्कुल लिख सकता हूं बिल्कुल लिख सकता हूं यहां पे देखो सेवन डिविजन मल्टीप्लाइड बाई वन एम एम है ना वन एम एम तो ये सेवन एम एम आया सेवन एम एम कोवन सेंटीमीटर नहीं लिख सकते क्या लिख सकते हैं सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर ये आ गया पॉइंट जीरो सेवन सेंटीमीटर इसी को हमने यहां पे कर दिया एड टू पॉइंट वन सेंटीमीटर के साथ मेरे को सारी चीजें सेंटीमीटर में रखनी थी इसलिए मैंने को 6.3 को 0.63 लिख लिया सिक्स पॉइंट थ्री को पॉइंट mm में आएगा बिल्कुल सही बात है 6.3 पॉइंट mm में आएगा लेकिन उसको जब आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो वो 0.63 हो जाएगा अब क्लियर है क्या बच्चों अब बात क्लियर है क्या एक बार फिर से देख लो आप लोग फटाफट फटाफट फड़, फड़ एक बार फिर से देख लो चाहो तो ठीक है फटाफट फड़ एक बार आप चाहो तो फिर से देख सकते हो कोई इश्यू नहीं है ओके देख लिया सभी ने सभी ने देख लिया बेटा है ना सभी ने देख लिया अब फॉर्मूला सुनो फॉर्मूला ये है फॉर्मूला ये है रीडिंग का जिसमें आपको कुछ भी सोचना ही नहीं पड़ेगा है ना अब आप मुझे बोलोगे कि सर ये आप पहले बता देते इतना क्यों एक्सप्लेन कर दिया इतना मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया ताकि आपको फील आ जाए एक बार लेकिन अब से जब भी ये क्वेश्चन आएगा अगर आपको रीडिंग लेनी है तो आप डायरेक्ट फॉर्मुला से कर लेना ठीक है फॉर्मुला से डायरेक्ट कर लेना रीडिंग जो होती है उसका फॉर्मुला होता है बच्चों मेन स्केल की जो रीडिंग आ रही है ठीक है मेन स्केल की जो रीडिंग आ रही है वर्नियर yes. स्केल के कितने डिवीजन वर्नियर स्केल के कितने है? के कितने हैं हैं वर्नियर स्केल के इनटू लीस्ट काउंट लीस्ट लीस्ट काउंट काउंट और की अगर मैं बात करूं है ना अगर मैं लीस्ट काउंट की बात करूं बच्चों तो बताओ एम mm एम में कितना लीस्ट काउंट आया था यहां पे 0.1 आया था mm में है ना अगर मैं लीस्ट काउंट की बात करूं इस डिवाइस के लिए

कितना है लीस्ट काउंट बेटा जीरो पॉइंट जीरो वन अगर ये सेंटीमीटर में लिखा है तो लीस्ट काउंट भी सेंटीमीटर में लिखो है ना अगर ये सेंटीमीटर में लिखा है तो लीस्ट काउंट भी सेंटीमीटर में लिखो अब देखो ये टू पॉइंट वन और ये कितना टू पॉइंट वन सेवन आंसर आ गया नमूनो टू पॉइंट वन सेवन अब तुम चाहो तुम चाहो तो दोबारा ये रिवाइज मत भी करो ये फॉर्मूला याद कर लो काम हो जाएगा देखो कितना आसान था कितना आसान था बात समझ में आ गई सिंपल सा फॉर्मूला है मेन स्केल की रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल के डिविजन इन लीस्ट काउंट ओके चलो बताओ बच्चों एक बार जल्दी से बताओ मुझे बेटा एक बार जल्दी से सब लोग मुझे चैट बॉक्स में बता देंगे क्या फील आ गई है अगर फील आ गई है तो फटाफट फड़ से मैं चाहता हूं आप ढेर सारे दिल वहां पे बना दो ताकि सर को भी फील आ जाए कि तुम्हें फील आ गई है है ना और यार लाइक्स की कमी है लाइक्स करो है ना लाइक like करो सेशन को लाइक like करो बेटा ठीक है सेशन को लाइक बहुत कम लोगों ने कर रखा है फटाफट -फड़ से लाइक करो और अब हम लोग समझने वाले हैं मीटर गेज ठीक है सर 2.1 कैसे मिला अरे नमूने यहाँ पे आया था ना ये देखो 2.1 के आसपास आया था ना ये तो सबसे पहले तो मेन स्केल में कितना आ रहा है वो लिख देते हैं हम लोग कि कितनी रीडिंग आपको देखने को मिल रही है उसके बाद जो थोड़ा बचा खुचा है वो यहां से मिलता है वर्नियर स्केल डिविजन मल्टीप्लाइड बाई लीस्ट काउंट से मिल जाता है ठीक है यस चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो आगे बढ़ते हैं बेटा ठीक है लेट्स मूव अहेड नाउ इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो लेकिन ये फॉर्मुला ज्यादा जरूरी है ठीक है ये फॉर्मूला आपके लिए ज्यादा जरूरी है वो आप याद रख लेना ठीक है वर्नियर स्केल डिवीजन कैसे निकाले जहां पे मैच होता है जहां पे दोनों के दोनों मैच हो जाते हैं बेटा है ना यहाँ पे दोनों के दोनों मैच हो गए ना और यहां पे वर्नियर स्केल था पहले तो यहां से डिविजन देखते जाओ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन जहां पे वर्नियर स्केल और मेन स्केल दोनों अलाइन हो जाते हैं एक दूसरे से वहां तक के डिविजन्स आपको लेने होते हैं फ्रॉम जीरो जीरो से लेके वहां तक के डिविजन लेने होते हैं तो वो सेवन था वो सेवन था ठीक है तो सेवन मल्टीप्लाइड बाई लीस्ट काउंट करना होता है देखो मैंने तुम्हें ये ज्यादा अच्छे से समझाया है ठीक है ये थोड़ा ज्यादा डिटेल में समझाया है अगर तुम बेकार में इसको देख के कंफ्यूज हो रहे हो तो कुछ नहीं है ये फॉर्मूला याद रख लो तुम्हारा काम हो जाता है ठीक है चलिए तो इसकी एक्यूरेसी बच्चों बहुत ज्यादा बढ़ जाती है अब आगे बढ़ते हैं स्क्रू गेज करते हैं क्या कहते हो यार अब हम लोग करते हैं स्क्रू गेज शायद इसका एनिमेशन चल जाएगा ठीक है आई विल ट्राई अगर इस, इसका एनिमेशन चल गया तो आपको ज्यादा फील आ जाएगी ठीक है बेटा तो आइए जरा एक बार ट्राई करते हैं अच्छा ये टू पॉइंट वन सेवन इसका आंसर था है ना आ... जी आई होप कि इसमें आपका एनिमेशन चल जाए बच्चों ये रख के देख लेते हैं जरा एक बार क्योंकि इसमें सिर्फ इसको ऐसे ही करना होता है ओके okay, ओके okay, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया इसका एनिमेशन चल रहा है बच्चों है ना इसमें हमारा एनिमेशन चल रहा है देखो इसमें क्या होता है आपको यहाँ से एक्चुअली इसको घुमाना होता है यू हैव टू ट्विस्ट इट ठीक है ट्विस्ट करोगे तो ये आगे पीछे हो जाता है ठीक है ये पीछे और आगे हो जाता है ठीक है अब देखो यार यहाँ पे भी सबसे पहले तो एक मेन स्केल होता है देखो है ना जीरो फाइव टेन ये क्या है सिंपल वाला मेन स्केल है जैसा आपका नॉर्मल स्केल होता है वैसा कितने डिविजन है उसमें वही है देख लो जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन हर एक डिवीजन कितने का है वन एम एम का है नो इश्यू एट ऑल ठीक है लेकिन होता क्या है यहां पे इसमें ये जो सर्कुलर स्केल आपका दिख रहा है ये सर्कुलर स्केल कहलाता है बच्चों उसमें होते हैं हंड्रेड डिविजन कितने डिविजन्स होते हैं बच्चों स्क्रू गेज के सर्कुलर स्केल में हंड्रेड डिविजन्स होते हैं और अगर आप इस डिविजन को मान लो जीरो से स्टार्ट करके इसको एक बार अगर आप घुमा दो यानी कि सौ डिविजन के लिए घुमा दो कितने डिविजन है हंड्रेड डिविजन अगर आप इसको एक बार घुमा दो पूरा तो हंड्रेड डिविजन पूरे हो जाएंगे और जब हंड्रेड डिविजन्स पूरे हो जाएंगे यानी कि एक रिवॉल्यूशन पूरा हो जाएगा तो ये वन एम एम आगे चला जाता है देखो हंड्रेड डिविजन जो है ना सर्क्यूलर स्केल के हंड्रेड डिविजन ऑफ सर्क्यूलर स्केल जब आप इसको पूरा एक बार घुमा देते हो ये ओ एस लिख दिया मैंने सर्क्यूलर स्केल लिखना चाहता था जब आप इसको पूरा एक बार घुमा देते हो ठीक है वंस वंस इफ यू रोटेट यानी कि हंड्रेड डिविजन तो ये कितना आगे चला जाता है बच्चों ये वन एम एम आगे चला जाता है यानी कि हंड्रेड डिविजन ऑफ सर्क्यूलर स्केल इज इक्वल टू वन एम एम तो बताओ वन डिवीजन ऑफ सर्क्यूलर स्केल विल बी इक्वल टू हाउ मच वन अपॉन हंड्रेड एम एम बात समझ में आ गई वन डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विल बी हाउ मच बच्चो वन अपॉन हंड्रेड एम एम हो जाएगा ठीक है वन अपॉन हंड्रेड एम एम हो जाएगा इसको ऐसा भी लिख सकते हो सेम चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो आप एम mm एम और सेंटीमीटर में कंफ्यूज रहते हो ना मत होना कंफ्यूज ऐसा भी लिख सकते हो कि हंड्रेड सर्क्यूलर स्केल इज इक्वल टू जीरो सेंटीमीटर होते हैं जीरो पॉइंट वन सेंटीमीटर होते हैं तो वन डिवीजन ऑफ सर्क्यूलर स्केल इज इक्वल टू हाउ मच जीरो हंड्रेड सेंटीमीटर ये दोनों चीजें लिख लो एक ही बात है ना यार वन अपॉन हंड्रेड एम एम लिखो या फिर जीरो पॉइंट वन अपॉन हंड्रेड सेंटीमीटर लिख लो ठीक है लिख लो फटाफट फड़ से इसको बच्चों मैं आपको टाइम दे देता हूं फटाफट फड़ से एक बार लिख लो मैं आपको टाइम दे देता हूं बच्चों ठीक है और इसको जब आप सॉल्व करोगे जीरो सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा पॉइंट जीरो जीरो वन आ जाएगा सेंटीमीटर में दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ दिस डिवाइस देखो इसका लीस्ट काउंट और भी बढ़िया है पहले वाले से पहले वाले से और बेटर लीस्ट काउंट है इसका है ना और कम है मतलब और भी और भी कम चीज को ये मेजर कर सकता है मतलब इसकी एक्यूरेसी पहले से भी ज्यादा अच्छी है बच्चों है ना मैं बार बार स्क्रीन के सामने से हट रहा हूं ताकि आपको लिखना है, है ना आपके लिखने के लिए हट रहा हूं मैं यहां से लिखो फटाफट फटाफट बेटा फटा -फट इसको लिख लो बच्चों एक बार है ना और मुझे बता दो जब लिख लोगे आप जैसे ही आप लिख लोगे आप मुझे बता दो ठीक है तो सर्क्यूलर स्केल का हर एक डिवीजन कितने सेंटीमीटर का आ रहा है बेटा हर एक डिवीजन जो आ रहा है वो 0.01 सेंटीमीटर का आ रहा है या फिर आप कह लो 0.01 एमएम mm का आ रहा है अरे एमएम mm से सेंटीमीटर ये सब कन्वर्जन तो आता है ना तुम्हें एक सेंटीमीटर में 10 एमएम mm होते हैं यार है ना तो वहां से आप कर लोगे इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे इतने सेंटीमीटर में कितने एमएम mm? 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 0.01 एमएम mm. अब जरा सोचो अगर सर्कुलर स्केल को एक डिवीजन से ऐसे रोटेट किया जाए एक डिवीजन से तो कितना आगे बढ़ेगा ये उसको हम पिच कहते हैं ठीक है उसको हम क्या कहते हैं बेटा पिच कहते हैं तो अगर हम उसको एक डिवीजन से ऐसे आगे बढ़ाएंगे एक डिवीजन से बस छोटा सा एकदम ऐसे टक एक डिवीजन तो कितना आगे बढ़ेगा पॉइंट जीरो वन एम एम आगे बढ़ जाएगा एक डिवीजन से जब आगे बढ़ाएंगे तो और जरा सोच के देखो अगर सौ डिवीजन से आगे बढ़ा दिया गया है ना उसको ऐसे घुमाते घुमाते वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ंड्रेड टाइम्स इफ यू रोटेटेड हंड्रेड डिवीजन से अगर आप उसको रोटेट करेंगे तो कितना आगे बढ़ जाएगा वो वन एम एम आगे बढ़ जाएगा एक एक डिवीजन से ऐसे आगे बढ़ाओगे टक ऐसे कितना आगे बढ़ेगा पॉइंट जीरो mm. अब, अब कितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि बताओ अगर टेन टेन बार हम रोटेट करें टेन डिवीजन से ऐसे रोटेट करें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो कितना आगे बढ़ेगा पॉइंट जीरो वन मल्टीप्लाइड बाई टेन यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा पॉइंट वन समझ में आ रहा है ना समझ में आ रहा है ना सभी को एक बार जब आप एक डिवीजन से ऐसे रोटेट करते हो तो पॉइंट जीरो वन आगे चला जाता है ठीक अब ध्यान से देखना अब ध्यान से देखना फाइनली इसको आके जरा हम किल करते हैं बस ये चीज याद रखना कंफ्यूज मत होना एक डिवीजन यानी कि जीरो पॉइंट जीरो आगे जाएगा ये ठीक है आगे क्यों लेके जाते हैं हम इसको क्योंकि ऑब्वियसली हमें मेजरमेंट लेना है, है ना बेटा देखो अगर हम इसको आगे लेके जाने लग जाऊं देखना ठीक है मैं इसको आगे लेके जाता हूं फाइनली ये देखो यहां पे टच हो गया है ना यहां पे टच हो गया अब आप रीडिंग ले सकते हो बेटा अब आप क्या कर सकते हो रीडिंग ले सकते हो तो आइए जरा यहां से रीडिंग लेते हैं रीडिंग उठाना सीखते हैं ठीक है देखो सबसे पहले आपको मेन स्केल में कितने एम mm एम दिखाई दे रहे हैं बहुत अच्छे से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स क्या सबको सिक्स कंप्लीट एम एम दिखाई दे रहा है मेन स्केल में देखो मेन स्केल में कितना mm दिखाई दे रहा है बच्चों mm दिखाई दे रहा होगा दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल है ना दिखाई दे रहा है ना उसके बाद लेकिन थोड़ा सा और डिस्टेंस आगे गया है वो थोड़ा सा और डिस्टेंस आगे गया है थोड़ा सा डिस्टेंस आगे गया है क्योंकि सर्कुलर स्केल का पूरा रोटेशन नहीं हुआ है सोचो अगर सर्कुलर रोटेशन हो जाता पूरा इसके बाद सिक्स के बाद अगर एक पूरा रोटेशन हो जाता यानी कि है ना दिमाग और आगे चला जाता और हमारा आंसर आ जाता है सिक्स के बाद सेवन बट क्या वो सेवन तक गया है नहीं गया है अच्छा कितने डिवीजन आगे गया है वो भी आपको दिख जाएगा बेटा यहाँ पे देखो कितने डिविजन आगे गया है सर्क्यूलर वाला देखो ये फोर्टी है फोर्टी वन फोर्टी टू फोर्टी थ्री फोर्टी फाइव फोर्टी सिक्स फोर्टी सेवन फोर्टी एट फोर्टी नाइन ये इसके साथ मैच कराते हैं इसके साथ ये जो अपना हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है ना उसके साथ मैच कराते हैं बच्चों तो क्या आप सभी को दिख रहा है कि सर्कुलर डिविजन वहां पे फोर्टी नाइन है दिख रहा है क्या देखो फोर्टी एट फोर्टी एट है फोर्टी नाइन है देख लो एक बार फिर से फोर्टी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट माई बैट फोर्टी एट है ना वैसे भी यहां से भी देख सकते हो कि फिफ्टी से दो पीछे है ये 50 है ना फिफ्टी से दो पीछे है तो 48 है है एक्चुअली राइट अब खुद बताओ एक डिवीजन जो होता है वर्नियर सॉरी सर्कुलर स्केल का एक डिवीजन वो कितना होता है कितने एम mm के बराबर होता है पॉइंट जीरो वन एम के बराबर होता है वन डिवीजन ऑफ वॉट सर्क्यूलर स्केल यहां पे कितने डिविजन हैं बेटा फोर्टी एट डिविजन्स है यहाँ पे यहाँ पे कितने डिविजन है देखो देखो ध्यान से देखो फोर्टी एट डिविजन है ना फोर्टी एट डिविजन कितने एम mm के बराबर हो जाएंगे फोर्टी एट इंटू पॉइंट जीरो वन यानी कि आंसर आ जाएगा बेटा पॉइंट फोर एट एम एम पॉइंट फोर एट एम एम देखो एक एम mm एम नहीं है वो पॉइंट फोर एट एम एम है और इसीलिए आपका जो फाइनल आंसर आएगा यहां से लेके यहां तक तो ये देखो सिक्स एम एम है ना सिक्स एम एम है सिक्स के बाद ये जो छोटू सा गैप आपको दिखाई दे रहा था वो पॉइंट फोर एट एम एम है हमने निकाल लिया फाइनल आंसर है बेटा सिक्स पॉइंट फोर एट एम एम ऐसा क्वेश्चन आया था नीट टू थाउजेंड ट्वेंटी में ठीक है आपको डायरेक्टली सर्कुलर स्केल के डिविजन दे दिए गए थे और आपको सिंपली ऐसे सॉल्व करना था सिक्स पॉइंट फोर एट की फील आ गई सभी को एक और क्वेश्चन कराऊं एक और क्वेश्चन 6, 6 mm यहां है है ना तक उसके बाद सिर्फ ये देखना है कि सर्कुलर स्केल में कितने divisions हैं। circular scale में जितने divisions होंगे मल्टीप्लाइड बाई पॉइंट जीरो एक डिवीजन सर्कुलर स्केल का पॉइंट जीरो फोर्टी एट डिवीजन है तो फोर्टी एट इंटू पॉइंट जीरोगाट को आप एड कर देना सिक्स में आपका आंसर आ जाएगा बेटा पॉइंट फोर एट यार बहुत मेहनत करके टॉपिक पढ़ाई है अगर बात समझ में आ गई है ना क्योंकि इसमें देखो यार एक्चुअली इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है इंस्ट्रूमेंट तो था नहीं हमारे पास एनिमेशन एक चला वर्नियर वाला चल नहीं पाया वरना फील मैं आपको और दे देता थोड़ी सी दो चार और अपने हिसाब से क्वेश्चन लेके करा देता प्लान तो यही था मैंने ये प्लान किया था कि वर्नियर में एक बार स्फीयर रख दूंगा है ना एक बार सिलेंडर रख दूंगा और एक बार वो रेक्टेंगल रख दूंगा तीन क्वेश्चन वैसे ही बन जाएंगे बैठे बिठाए मस्त सी प्रैक्टिस हो जाएगी लेकिन हो नहीं पाई चलो ऐसा करेंगे एक 20 मिनट का छोटा सा सेशन बना दूंगा लैपटॉप के ऊपर है ना वो स्क्रीन शेयर करके वहां से या तो मैं आपको करा दूंगा बट पहले बताओ क्या इसकी पूरी पूरी फील आ गई है आपको फील तो वर्नियर की भी आ गई है प्रैक्टिस थोड़ा सा कम हो पाया वर्नियर में जो मुझे पता चल रहा है ना और प्रैक्टिस करा दूंगा डोंट वरी पी नहीं मिल रही है सर बेटा हमने एक नया फोल्डर बनाया है कली बनाया है वहां पर मैंने सारे पी डाले हैं आज ही आपकी जो टीम है है ना वेदांतो नीट टॉपर्स मतलब सॉरी अन नीट टॉपर्स की हो जाता है यार तो वो लोग वहां पे डालने वाले हैं उसको ठीक है Don't worry about it. हाँ जी तो ये बताइए आ आ गया इसका आ गया इसका आंसर बच्चों चलो चलो हाँ। ओके, अब आगे बढ़ते हैं ठीक है लेट्स मूव अहेड और मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं जो आप करोगे इसकी रीडिंग मुझे कौन बच्चा बताएगा इसकी रीडिंग मुझे कौन बताएगा इस क्लास के अंदर किसमें कितना है दम जरा देखते हैं है ना देखो मैं अगर आपको डायग्राम बहुत अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं थोड़ा सा डायग्राम को अच्छा कर देता हूं है ना <laughs> थोड़ा मैं आपको अच्छा कर देता हूं डायग्राम को मुझे पता है तुम लोग क्यों हंस रहे हो तुम बच्चे ना कुछ छोड़ते नहीं हो सुन लेते हो सारा कुछ है ना देखो ये है बेटा फोर्टी ये फोर्टी का लेंथ दिखा रहा है आपको और ये आपको दिखा रहा है बच्चों थर्टी का लेंथ ठीक है ये थर्टी है ये थर्टी है और और थोड़ा और डायग्राम को अच्छा कर लेते हैं यहाँ पे ये वाली लाइन जो है ये वाली लाइन है ना ये उसके साथ मैच हो रही है अब आप देख लो कौन सी लाइन है कितने डिविजन है सर्क्यूलर के ये सब आप वहां से पता कर सकते हो ठीक है तो ये देखो, ये देखो ये देखो ये ऐसे लाइन मैच हो रही है ग्रीन तो दिख ही नहीं रहा उस पर और कौन सा कलर है हमारे पास और कोई कलर है क्या डार्क कलर डार्क कलर पिंकी पिंकी वॉट कलर याद आ गया इससे मुझे एकदम से ये देखो यहाँ पे ठीक है ये यहाँ पे मैच हो रहे हैं बच्चों ठीक है और और ये आपका जीरो है ये आपका जीरो है वन टू थ्री है ना थ्री यहां तक आपका थ्री एम एम है बच्चों यार मैं मैं तो इसको सॉल्व कर रहा हूं सॉल्व थोड़ी ना कराना है चलो बताओ आंसर क्या आ रहा है ठीक है मैं देखता हूं कुछ बच्चे कह रहे हैं विद्या कह रही है थ्री पॉइंट थ्री टू गुड़िया कह रही है थ्री पॉइंट थ्री टू अंजलि कह रही है थ्री पॉइंट थ्री टू विनीता कह रही है थ्री पॉइंट थ्री टू वाह वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अमेजिंग अमेजिंग क्या बात है क्या बात है, है ना और अब मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे इसको करना होता है पहले तो लाइक, करो, लेकिन सेशन को। लाइक की कमी नहीं होनी चाहिए लाइक भरपूर होना चाहिए सेशन के अंदर ठीक है तुम्हारे हिसाब से बेटा तुम्हारा आंसर है थ्री पॉइंट थ्री टू और इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल थ्री पॉइंट थ्री टू है क्या बात है मचाया तुम लोगों ने मतलब अब स्क्रू गेज तुमसे हो जाएगा है ना तो सिंपल सी बात यह है कि सबसे पहले तो आपको देखना है कि मेन स्केल में क्या रीडिंग आ रही है कितने पता चल जाएगा बिल्कुल आसानी से दिख जाएगा सॉरी वन टू थ्री 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 एमएम की रीडिंग है सबसे पहले तो अरे बेटा ये तो जीरो है ये तो जीरो है थ्री एम एम के बाद अब सर्कुलर स्केल की रीडिंग देखो है थ्री एम एम के बाद अब सर्कुलर स्केल की रीडिंग देखो कितने वहां पे क्या कहते हैं डिविजन है सर्कुलर स्केल में तो देखो ये थर्टी है ये 31 और ये 32. 32 वाला ही अगर थर्टी टू डिजन है तो उसकी लेंथ कितनी होगी थर्टी टू इंटू पॉइंट जीरो आंसर आ रहा है तो ये हो जाएगा बेटा आपका पॉइंट थ्री टू पॉइंट थ्री टू को यहाँ पे आप एड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों थ्री पॉइंट थ्री टू बताओ फील आई है क्या फील आई है क्या फटाफट फड़ बताएंगे सारे बच्चे स्क्रू गेज की पूरी पूरी फील मैंने आपको दे दी क्योंकि हमारा एनिमेशन यहाँ पे चल गया था वर्नियर में अगर आपको फील चाहिए तो कमेंट करके बताना लैपटॉप में क्लास लूंगा दस मिनट की लूंगा बस और आपको फील करके दो तीन एग्जाम्पल दो तीन एग्जाम्पल ज्यादा नहीं वहीं पे लैपटॉप के थ्रू है ना एनिमेशन चला चला के करा दूंगा प्रैक्टिस मस्त वाली हो जाएगी ठीक है और प्रैक्टिस करोगे थोड़ा सा टाइम है और प्रैक्टिस करोगे स्क्रू गेज का तो कर ही सकते हो ना स्क्रू गेज में तो अभी चल जाएंगे एनिमेशन स्क्रू गेज में तो चल रहे हैं हमारे एनिमेशन बढ़िया चल रहे हैं कोई इशू नहीं है है ना तो अच्छा लेकिन ये वही लीड का का ही एक ही एक ऑप्शन है क्या यहाँ पे बस अगर मैं फिर से वही ले लूं क्या वही रीडिंग आएगी या कुछ और आ जाएगी देखते हैं एक बार ठीक है इस बार बता सकते हो क्या रीडिंग बेटा वो 48 वाला ही आ रहा है है ना 6.48 वाला ही आ रहा है फिलहाल तो इसको जरा रिफ्रेश करके एक बार देखते हैं क्या पता कुछ और आ जाए फिर से रख देते हैं जरा है ना हम भी तो ठीक है कुछ तो और आ जाए हाँ कुछ और आया है कुछ और तो आया है कुछ और तो आया है, आया है है बिल्कुल बताओ इसकी रीडिंग नमूनो, क्या रीडिंग क्या है चलो बताओ कम ऑन वन चलिए बताइए बेटा क्या रीडिंग आएगी इसकी इस केस में आपको क्या रीडिंग दिखाई देती है ये आपको बताना है ठीक है कहां पे मैच वैच कर रहा है देख लो फटाफट देखो नया जबरदस्त नया क्वेश्चन सर लेके आ गए आपके लिए देखो रिफ्रेश मारने से नया क्वेश्चन आ गया देखा क्या तो ट्रिक काम करी है सर की यहाँ पे सेवेंटी है नमूनो ये सेवनटी है और ये वाली जो लाइन है वो मैच कर रही है इसके साथ ठीक है ये वन टू थ्री फोर फाइव फाइव तो आपको बिल्कुल दिख रहे हैं यहाँ पे और फाइव के बाद देख लो बता दो यार बता दो क्या मजाक कर रहे हो बता दो फटाफट से फाइव पॉइंट सेवन सिक्स कह रहे हैं बच्चे है ना फाइव पॉइंट सेवन सिक्स कह रहे हैं बच्चे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए ऑब्जेक्ट सेलेक्ट का ऑप्शन है क्या नहीं बेटा यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट है तभी तो है ना तभी तो मैं परेशान हो रहा हूँ एक ही ऑब्जेक्ट है इसमें और कोई ऑब्जेक्ट का ऑप्शन आ ही नहीं रहा है और कोई ऑब्जेक्ट चलो कोई नहीं डायमेंशन तो चेंज हो ही गया ना पिछले वाले से तो चेंज हो गया है, है ना फाइव पॉइंट सेवन सिक्स करेक्ट आंसर क्या बात है क्या बात है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया देखो सिंपल है बेटा ये तो ये तो बहुत ज्यादा आसान हो गया देखो वर्नियर भी बहुत ही आसान था बट हम प्रैक्टिस नहीं कर पाए इस बात का मलाल रह गया मैं क्वेश्चंस भी लेके नहीं आया क्योंकि मेरे को लगा कि एनिमेशन में तीन चार बना दूंगा और वहीं पे क्वेश्चंस हो जाएंगे है ना पर कोई बात नहीं कोई बात नहीं होता है कई बार फाइव यहां तक है लेकिन फाइव के बाद आपको सिक्स दिखाई नहीं दे रहा है यहां पे सिक्स आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है हालांकि ये है काफी क्लोज सिक्स रहा है काफी क्लोज है 6 के क्योंकि काफी सारे डिविजन हो चुके हैं ना देखो कितने हो चुके हैं ये सेवेंटी है सेवेंटी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये जो है आपका सेवेंटी सिक्स डिविजन मैच कर रहा है तो आप सिंपली लिख देंगे बेटा फाइव सेंटीमीटर तो मेन स्केल से आ गया प्लस mm में आ करने की आपको नहीं है ठीक है एक बार ट्वेंटी ट्वेंटी भी बोल रहे हैं नहीं बेटा फाइव पॉइंट सिक्स सेवन नहीं हो सकता है ना फाइव पॉइंट सेवन सिक्स है कंफ्यूज मत हो ना बिल्कुल भी सिक्स सेवन नहीं है सेवन सिक्स है अरे सेवेंटी और एटी के बीच में सिक्सटी सेवन कहां से आ जाएगा नमूनो सेवनटी सिक्स ही तो आ सकता है है ना सिक्सटी सेवन कहा से आ जाएगा वहां पे चलो एनी क्या आप नीट ट्वेंटी ट्वेंटी में एक क्वेश्चन आया था इसमें क्या आप वो सॉल्व कर लोगे बेटा बताओ मुझे एक बार सॉल्व Sol सॉल्व कर लोगे पेपर डाउनलोड करो नीट ट्वेंटी ट्वेंटी का एक क्वेश्चन आया हुआ है इसी से ठीक है स्क्रू गेट से उसको आप जरा सॉल्व कर लेना आपसे हो जाएगा या फिर स्क्रू गेट सर्च करके उसके क्वेश्चंस निकाल लो कुछ नहीं होता है मेन स्केल रीडिंग दे देते हैं और आपको डायग्राम भी नहीं देते ऐसे बोल देते हैं कि सर्कुलर स्केल में सेवेंटी नाइन डिविजन हो चुके हैं बताओ क्या होगा ठीक है तो ऐसे करना होता है बच्चों और ऐसे ही क्वेश्चन आपके पास आते हैं एग्जाम में ठीक है चलो तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं ठीक है वैसे मैं सच बताऊं तो कम क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से कम देखा जाता है और जितना जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ से वो मैंने सारा का सारा आपको करा दिया बेटा ठीक है इतने ही से आपसे सवाल पूछे जाते हैं जीरो एरर वगैरह नहीं पूछते हैं नीट में बेसिक्स ही पूछते हैं बेसिक्स आपको पता होना चाहिए it, ठीक है चलिए वैसे तो आपने देखा होगा कि ये जनरली पढ़ाते भी नहीं है यूट्यूब में आपको है ना बट हमने आपको पढ़ाया क्योंकि इससे क्वेश्चन आया है रिसेंटली चलो बच्चों तो आज के लिए इतना ही है और आपको पता है कि प्राइसेस बढ़ने वाले हैं है ना प्राइसेस बढ़ने वाले हैं आपके प्लस सब्सक्रिप्शन के ट्वेंटी अक्टूबर से अगर आपने सोचा है अगर आपने प्लान किया है कि आपको लेना है सब्सक्रिप्शन तो फटाफट ले लो डिले मत करो इस चीज को डिले करोगे तो नुकसान में रहोगे है ना प्राइसेस बढ़ जाएंगे और अगर आप थोड़ा सा भी आपने ये सोच रखा है कि आपको लेना ही सब्सक्रिप्शन तो जितनी जल्दी स्टार्ट करो बेटा उतना अच्छा होता है तो जी जी लाइफ कोड लगाओ और सब्सक्रिप्शन ले लो अपना प्लस का ठीक है और देखो प्राइसेस बढ़ने के बाद और प्राइसेस बढ़ने के बाद वन ईयर का हो जाएगा थर्टी फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड फिफ्टी और टू ईयर का हो जाएगा फिफ्टी थाउजेंड एंड फोर हंड्रेड राइट तो आपका थोड़ा नुकसान हो जाएगा इफ यू आर गोइंग आफ्टर ट्वेंटी फोर तो उससे पहले पहले कर लो ट्वेंटी सेवन थाउजेंड में वन ईयर और थर्टी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड में टू ईयर का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है जी जी लैब आपको कोड लगाना है बेटा ठीक है ध्यान में एक बात रखना कल से मेरा प्लस कोर्स शुरू हो रहा है अगर आपको वो प्लस कोर्स देखना है तो उसके पहले ही ले लो जिनके पास है प्लस उनके उनकी तो कोई दिक्कत है ही नहीं आपको है ना एंड ऑल्सो बच्चों आज सिक्स पीएम को हम करने वाले हैं बहुत अमेजिंग सेशन जहां पे हम बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बेस्ट क्वेश्चंस की इसी चैनल पे वो भी आपको अटेंड करना है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हो पर्सनल कोच मिलते हैं आपको यहाँ पे नीट यूजी की वर्कशॉप्स मिलती हैं स्टडी प्लानर एक्सपर्ट गाइडलाइंस और टेस्ट ज्यादा है so, yes, yes, है, है, हैं बट जो चीजेंडमी इंटेलिजेंस चैप्टर वाइज आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलने वाले इलेवंथ और ट्वेल्थ के ऑन ड्रॉपर्स के लिए भी अटेम्प्टेड लाइव एवरी मंडे टू थर्सडे सेवन पी एम और आपको इन डेप्थ एनालिसिस भी मिलेगा टॉप एजुकेटर्स के द्वारा एनरोल ना फॉर फ्री फ्री ऑफ कॉस्ट है ठीक है और हमारे चैनल को यार सब्सक्राइब करो आपका चैनल है है ना सब्सक्राइब करो बेल आइकन दबाओ और मुझे बताना कि वर्नियर की तुम्हें और प्रैक्टिस करनी है तो मैं लैपटॉप में क्लास लेके और प्रैक्टिस करा दूंगा ठीक है ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्कुल बना रहे जी जी लाइफ कोड आपको लगाना है बच्चों टू तो गेट द टेन परसेंट ऑफ ऑन द प्लस सब्सक्रिप्शन ठीक है और ले लो बच्चों ट्वेंटी तक का वेट मत करो है ना कल से मेरा प्लस चालू हो रहा है और बहुत जल्द नवंबर में हमारा पूरा का पूरा एक बैच आ रहा है प्लस पे बड़ा सा बैच विथ मी गरिमा मैम एंड द केमिस्ट्री टीचर है ना थोड़ा तुम लोग अब परेशान हो रहे हो सर कौन है केमिस्ट्री टीचर बताई दो बताई दो अभी नहीं बताऊंगा है ना मिल जाएगा तुम्हें इंफॉर्मेशन पूरा पूरा मिल जाएगा डोंट वरी और कोई परेशानी है और कोई परेशानी है तुम्हें नहीं है ना कोई बता रहा है कि नीट ट्वेंटी ट्वेंटी वाले क्वेश्चन का आंसर ये आ रहा है चलो ठीक है जो भी आंसर आ रहा है मुझे आंसर तो याद नहीं है बट हां क्वेश्चन है उसमें ठीक है पी uh, डी मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो देखो डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ आने में टाइम लग जाता है मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है बेटा वहां पे मैं पीडीएफ टाइम पे आपको दे देता हूं टेलीग्राम ग्रुप का नाम है फील विद गौरव सर ठीक है पीएच डब्ल्यू एल विथ गौरव सर तो वहां पे आप आ जाओ तो आपको पीडीएफ टाइम पे भी मिल जाएगा और थोड़ा वेट करना है तो यहां पे आपको मिल जाएगा वो ठीक है थोड़ी देर बाद डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा ठीक है चलो एवरीवन सी यू सून बाय गाइस हैव नाइस डे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 6 पीएम ठीक है 6 पीएम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बेस्ट क्वेश्चंस करने वाले बेटा बाय